हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समा के चावल के डोसा। समा के चावल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, स्टार्च कम होता है, इसलिए डायबिटिक लोग भी इस डोसे को आराम से खा सकते हैं। और अगर आप वेट मैनेज कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, तो ये डोसा आपके लिए बहुत परफेक्ट है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। स्टफिंग के लिए लिया है मैंने आलू, बॉइल्ड पोटैटो 4 से 5, या जितने आपको रिक्वायरमेंट हो उतना। इनको मैश कर लिया, थोड़ा क्यूमिन, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता। इसमें कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून ऑयल या घी, जो भी आप व्रत में खाते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और करी पत्ता। जीरा भुन चुका, अब ऐड करेंगे करी पत्ता, फिर हरी मिर्च। ऑप्शनल है हरी मिर्च, अगर आप नहीं पसंद करते और आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कीजिए। सभी के यहाँ व्रत में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। अब इसमें हमने उबले हुए आलू ऐड कर दिए हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, जो हम व्रत में खाते हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और लास्ट में हम गैस बंद करने के बाद इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने 1 टी स्पून लेमन जूस ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच। हमारे आलू रेडी हैं, स्टफिंग रेडी है। यह है समा के चावल, जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगोया था। हमने 1 कप समा के चावल लिए हैं, 1/4 कप साबूदाना लिया है, जिसको भी मैंने 4 घंटे पहले ही सोक किया था। दोनों को एक मिक्सर जार में डालेंगे। समा के चावल और साबूदाने में 1/4 का रेशियो होता है, 1 कप, 1 कटोरी या कप चावल तो 1/4 कप या कटोरी साबूदाना, हरी मिर्च और धनिया। इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब पेस्ट बनाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कर्ड। फिर ग्राइंड करने के बाद हमारा मिक्सचर रेडी है, हमारा बैटर रेडी है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक आपके स्वाद के अनुसार, और काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। आप इसमें यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्च चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक बच्चे नहीं खाते डोसे में, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी थिक लग रही है, मैं इसे पतला करूंगी। थोड़ा हमें रनी बैटर चाहिए इसके लिए। ये इतना बैटर 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब हम बनाएंगे कोकोनट की चटनी। मैंने नारियल लिया है, हरी मिर्च, नींबू और धनिया, कोरिएंडर। कोकोनट को और धनिया और हरी मिर्च को हम एक जार में डालेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, चीनी, शुगर ऑप्शनल है। अगर आप मीठी चटनी नहीं पसंद करते, थोड़ा मीठापन, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेमन जूस, और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप दही यूज़ कर सकते हैं, इसमें खट्टी दही 1 चम्मच। हमारी चटनी एकदम रेडी है। अब मैंने तवा रखा हुआ है गैस पर गर्म करने के लिए। अब इसमें बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना रनी बैटर है। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे इस पर, हल्का हल्का, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। देखिए हमारा डोसा अच्छे से निकल गया तवे से, आप देख सकते हैं इसको।
आप इस हेल्दी डोसे को आपके व्रत में या आपकी डेली ब्रेकफास्ट रेसिपी में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसमें चावल भी नहीं है, जो चावल नहीं खाते वो इस डोसे को ज़रूर बना सकते हैं। आप इसे प्लेन या स्टफिंग के साथ जैसे भी आपको पसंद है वैसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हेल्दी डोसा रेडी है, व्रत का डोसा, समा के चावल का डोसा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस बार। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।